अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली रज़ा और आप सभी को फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल अली यूट्यूबर में। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड आ यूट्यूब सीरीज़ की चौथी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि आपने अपने चैनल की एडवांस सेटिंग किस तरह करनी है। आपने अगर अपने चैनल को क्रिएट कर लिया है, क्रिएट करने के बाद जो उसकी एडवांस सेटिंग्स होती हैं वो इस मुकम्मल वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ अगर मेरे चैनल पर न्यू तो क्या करो यार, नीचे दी सब्सक्राइब ने कर दो प्रेस जो कि बिल्कुल फ्री है और साथ ही बेल आइकन को भी कर दो ऑन ताकि यूट्यूब की जो भी न्यू अपडेट आए, जो भी इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले पहुँच सके आपको। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मोबाइल की रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूं। आपने भी सिंपल इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने चैनल की सेटिंग को कर लेना है, वो भी 2022 की। तो सिंपल आपने यहां पर गूगल पर चले जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपने यहां पर जो करेक्टर्स को टाइप करना है वो studio.youtube.studio, आपने इन करेक्टर्स को टाइप करना है। टाइप करने के बाद जो आपके सामने पहला लिंक आएगा आपने सिंपल इसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपने जो थ्री कॉर्नर वाले डॉट्स हैं इसको क्लिक करके आपने इसे डेस्कटॉप साइट्स पर कर लेना है। डेस्कटॉप साइट्स पर करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह आप अपने लैपटॉप या सीपीयू पर आप वर्किंग करते हैं इसी तरह आपकी मोबाइल पर भी उसी तरह वर्किंग होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो चैनल होगा वो आपको इस तरह का नज़र आएगा। और देखिए कॉर्नर पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा सेटिंग्स का, आपने सिंपल सेटिंग पर करना है क्लिक। सेटिंग्स को ओपन करते हुए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर जनरल को पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि आपकी जो YouTube की अर्निंग आएगी वो कौन सी करेंसी होगी। हमारी जो YouTube की अर्निंग आती है वो USDT डॉलर्स में आती है, तो आपने यहाँ पर उसी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने लाजमी से नीचे कॉर्नर पर ऑप्शन सेव का आता है, जो जो आप सेटिंग करते जाएं साथ साथ उसे सेव करना मत भूलें, नहीं तो आपकी सेटिंग सेफ नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है USD डॉलर्स, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर ऑप्शन है चैनल का, मैं सिंपल चैनल पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें बेसिक इन्फो के अंदर वो क्या कह रहा है कि आप सिंपल अपनी यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करें। यहाँ पर हम अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारी कंट्री है पाकिस्तान, तो सिंपल मैं पाकिस्तान को कर लेता हूँ सिलेक्ट। जो सी भी कंट्री हो आपने उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, हमारी पाकिस्तान है तो मैं सिंपल पाकिस्तान पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरी कंट्री सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद नीचे दूसरे नंबर पर वो ऑप्शन दे रहा है ऐड कीवर्ड्स, यहाँ पर आपने वो कीवर्ड्स लिखने हैं जो आपके चैनल के रिलेटिव हों। मीन के अगर आपने कोई व्लॉग का चैनल क्रिएट किया हुआ है तो आपने व्लॉग के रिलेटिव यहां पर अपने टैग्स को लिखना है। ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी चैनल की रैंकिंग में, आपका चैनल इससे जल्द ही सर्च पर आ जाता है। जो कीवर्ड्स आप यहां पर लिखेंगे आपका चैनल उसी रिलेटिव हो, मीन के अगर आपने टैग के रिलेटिव चैनल को क्रिएट किया हुआ है तो आपने यहाँ पर टैग के रिलेटिव ही टैग्स को क्रिएट करना है। तो सिंपल हम यहाँ पर टैग्स आपको क्रिएट करके दिखा देते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम है अली यूट्यूबर, तो सिंपल आपने यहाँ पर पहले अपने चैनल का नाम लिख लेना है अली। आपने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखना है, तो लिखने के बाद जब मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर एक कीवर्ड क्रिएट हो गया। आप जितने ज़्यादा अच्छे यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को टाइप करेंगे आपका चैनल उतनी ही जल्दी सर्च पर आएगा। तो आपने यहाँ पर मिनिमम 500 कीवर्ड्स को यहाँ पर टाइप कर लेना है। आपने अपने चैनल के रिलेटिव ही यहाँ पर कीवर्ड्स को लिखना है, आपने अपने चैनल से आउटवर्ड कीवर्ड यहाँ पर कोई भी नहीं लिखना, ठीक हो गया। यहाँ पर आप मिनिमम 500 कीवर्ड्स लिख सकते हैं। जो मैंने लिखा है अली यूट्यूबर वो मिनिमम 14 करेक्टर्स का है, तो यहाँ पर देखिए उसने 14 करेक्टर्स माइनस कर दिए। आपने यहाँ पर अपने चैनल्स के रिलेटिव कीवर्ड्स को टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपने सिंपल कॉर्नर पर सेव वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। ये आप लाजमी से सेव कीजिए, नहीं तो आपकी सेटिंग सेफ नहीं होगी। मैं सिंपल दोबारा चला जाता हूँ उसी सेटिंग पर, सेटिंग पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद हम चैनल्स की सेटिंग कर रहे थे, सिंपल चैनल्स की सेटिंग पर करूंगा क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मेरी सेटिंग सेफ हो गई है, ठीक हो गया। अब मैं दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पर चला जाता हूँ एडवांस सेटिंग, सिंपल इस पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको थ्री ऑप्शन शो हो रहे हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका जो चैनल है क्या वो किड्स के रिलेटिव है, क्या आपका चैनल किड्स के रिलेटिव नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आपने अपने चैनल की जो निश को सिलेक्ट करना है आपने किड्स को नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि किड्स की जो पेमेंट आती है, जो अर्निंग आती है, वो बहुत कम आती है। सिंपल दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है नो सेट द चैनल एंड नॉट मेड फॉर किड्स, कि जो आपका चैनल है वो किड्स के रिलेटिव नहीं है। तो मैंने यहाँ पर उसको कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद बकिया ठीक ही है, आपने सिंपल सेव वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। सेव करने के बाद मैं दोबारा सेटिंग्स पर जाऊंगा। सेटिंग्स पर जाने के बाद दोबारा चैनल्स पर आऊंगा।
अब बारी आती है तीसरे नंबर वाले ऑप्शन की, उसमें क्या कहते हैं फीचर एलिजिबिलिटी में। सिंपल हम इस पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर देख सकते हैं ऑप्शन एलिजिबल नहीं, मीन कि आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। इसको वेरीफाई करने का मकसद ये होगा कि जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप 15 मिनट से अबव की वीडियो को नहीं क्रिएट कर सकेंगे, आप अपने चैनल का थंबनेल नहीं लगा सकेंगे, आप अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकेंगे। आपने यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपने सिंपल नीचे जब आप इस पर वेरीफाई ऑप्शन वाले पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपने मोबाइल नंबर को लिख लेना है। मैं अपने मोबाइल नंबर को लिख लेता हूँ। मोबाइल नंबर को लिखने के बाद आपने यहाँ पर कर देना है गेट कोड। अब आप गेट कोड को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर कोड आ जाएगा। आपने सिंपल उस कोड को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर कोड को कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर कह रहे हैं फ़ोन नंबर वेरीफाइड, कि आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो गया है। अब सिंपल हम बैक आ जाते हैं, तो सिंपल सेटिंग्स पर आते हैं। सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पर चैनल्स पर आते हैं। चैनल्स पर आने के बाद दोबारा चले जाते हैं फीचर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, दूसरा भी मेरा इनेबल्ड हो गया है। अब बारी आती है तीसरे वाले ऑप्शन की। सिंपल यहाँ पर करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर इसे इनेबल करेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर अगर इसे आप इनेबल करते हैं तो आप क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीम डेली, अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो आप एक दिन के अंदर कई ज़्यादा लाइव स्ट्रीम्स कर सकते हैं। अपलोड मोर वीडियो डेली, कि आप एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा वीडियोस को भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इन फीचर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसे भी इनेबल कर देना, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले ऑप्शन की, अपलोड बाय डिफ़ॉल्ट। सिंपल मैं अपलोड बाय डिफ़ॉल्ट पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर टाइटल बता रहा है, डिस्क्रिप्शन बता रहा है, और ठीक हो गया। यहाँ पर टाइटल, जो भी आप टाइटल लिखेंगे वो आपका ऑटोमेटिकली जब आप वीडियो को अपलोड करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली राइट होकर अपलोड हो जाएगा। नंबर वाले ऑप्शन पे है डिस्क्रिप्शन, जो भी आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो आपकी डिस्क्रिप्शन, जब भी कोई भी आप वीडियो को अपलोड करेंगे, वीडियो को जब भी आप अपलोड करते हैं तो वो ये ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो के अंदर इंटर हो जाएगी। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप अपनी ईमेल को दें, आप अपने फेसबुक पेज के लिंक को कॉपी पेस्ट करें, यहाँ पर आप अपने चैनल के रिलेटिव जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसको राइट करके आप इसे सेव कर लें। मैं नॉर्मल से यहाँ पर आपको कुछ टाइप करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अली यूट्यूबर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब और मोर, इस तरह की आपने भी डिस्क्रिप्शन को लिख के कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल वहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। जब भी आप कोई वीडियो को अपलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी डिस्क्रिप्शन अपलोड हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप अपने फेसबुक पेज की जो आप लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट करें, जो अगर आपका इंस्टाग्राम है तो आप उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट करें, आपका जो भी किसी भी और आपके प्लेटफॉर्म की आपकी कोई वेबसाइट्स है तो आप उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। आप जो भी वीडियो को अपलोड करेंगे उसके नीचे ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने फेसबुक पेज का लिंक लिखा हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें पब्लिक है, प्राइवेट है, अनलिस्टेड है। इसका मतलब ये है कि आप जब आप अपनी वीडियो को YouTube प्लेटफॉर्म पर आप अपलोड करेंगे, क्या आपकी वीडियो पहले प्राइवेट रहे या आपकी डायरेक्ट पब्लिक हो जाए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप प्राइवेट को क्लिक करके रखें। इसकी मेन वजह ये बताता हूँ कि जब आप अपनी वीडियो को प्राइवेट करते हैं तो जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपको वीडियो में पता चल जाता है कि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं, कोई कॉपीराइट क्लेम तो नहीं, तो आप उसी वक्त उसको सही कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं नीचे टैग्स के बारे में। तो यहाँ पर आपने वो टैग्स देने हैं जो आपकी वीडियोस के रिलेटिव हों, जो आपकी हर वीडियो के नीचे आपको लगे कि ये मेरी हर वीडियो के नीचे लग सकते हैं। जैसा कि आप, अगर मेरा चैनल है टेक के रिलेटिव तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इन्फॉर्मेशन वीडियोस, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एजुकेटेड वीडियोस। तो यहाँ पर आपने अपनी जो भी वीडियो के रिलेटिव जो आपके टैग्स होंगे आपने यहाँ पर वो लिख लेने हैं कि आपको लगे कि जो आप वीडियो को क्रिएट करते हैं ये उनके नीचे लग सकते हैं। इसको लिखने के बाद आपने सिंपल नीचे वाले सेव वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी अगली वाली सेटिंग की। मैं सेटिंग्स पर चलता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर मैं अपलोड बाय डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग्स पर दोबारा जाता हूँ। दोबारा जाने के बाद एडवांस सेटिंग यहाँ पर सिंपल मैं करता हूँ क्लिक।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो एडवांस सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लेसनेस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड लेसनेस को ही सिलेक्ट करना है। उसकी रीज़न क्या है, जब भी आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियोज़ को अपलोड करते हैं तो आप उसके ओनर होते हैं, आप किसी को भी इजाज़त नहीं देते कि आपकी कोई भी वीडियो अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर सकें। सिंपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसनेस है और क्रिएटिव कॉमर्स लेसनेस है, ठीक हो गया। आपने स्टैंडर्ड लेसनेस को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट्स जो लेसनेस होता है इसमें आप परमिशन देते हैं कि आपकी कोई भी वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर सकता है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने यूट्यूब स्टैंडर्ड लेसनेस को सिलेक्ट करना है। सिंपल हमने इस पर कर लेते हैं क्लिक और इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पे वो आपको कह रहा है कि आप अपनी यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करें, सिंपल हम इस पे करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपकी चैनल्स की जो भी कैटेगरी है आपने उस कैटेगरी को कर लेना है सिलेक्ट। मैं सिंपल एजुकेशन वाले को कर लेता हूँ क्योंकि हमारी एजुकेशन वाली वीडियोज़ भी बनती हैं, इसलिए मैं एजुकेशन वाली को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने अपने चैनल्स के रिलेटिव ही यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें आपको नीचे वाले ऑप्शन पर नज़र आ रहे होंगे कि आपकी जो वीडियो की लैंग्वेज है वो आपकी वीडियो की कौन सी लैंग्वेज है। अगर आपकी इंग्लिश है तो आपने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है, अगर आपकी उर्दू है तो आपने उर्दू को सिलेक्ट करना है, या आपकी हिंदी है तो आपने हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो सिंपल मैं इस पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमारी उर्दू है तो सिंपल मैं उर्दू को करता हूँ सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें आपको दूसरे नंबर पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऑप्शन सर्टिफिकेशन, आपने सिंपल इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने पहले वाले ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट, ठीक हो गया। बाद अब नीचे बात कर लेते हैं टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कि आपका जो टाइटल है आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कौन सी लैंग्वेज की होगी। जाहिर सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, आपने जो भी अपनी टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आपने देनी है आपने उसी हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिंपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंग्लिश में होती है हमारी यूनाइटेड स्टेट, ठीक हो गया। तो मैं सिंपल इस पर कर लेता हूँ क्लिक। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कमेंट्स का, आप यहां पर कमेंट्स को हाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप यहां पर जो भी कर सकते हैं। मैंने तो फिलहाल होल्ड ही रखा हो, जैसा चाहें आप उस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे कमेंट्स किसी को शो ना हो तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। फुल सेटिंग्स को करने के बाद आपने लाजमी से सेव वाले ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक, नहीं तो आपकी सेटिंग यहाँ पर सेव नहीं होगी। अब मैं सिंपल दोबारा सेटिंग्स पर चला जाता हूँ। सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं परमिशन, आप सिंपल परमिशन वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहां पर जिसको भी आप यहां पर ओनर बनाना चाहते हैं आप यहां पर बना सकते हैं। किसी को अगर आप एडिटर बनाना चाहते हैं अपने चैनल का तो यहां पर आप बना सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने तो अपना ही रखा हुआ है, मैं ही ओनर हूं और मैं ही एडिटर हूं, सब कुछ है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं किसी को ओनर नहीं बनाना चाहता, किसी को एडिटर नहीं बनाना चाहता। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को ओनर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक हो गया। उन सेटिंग्स को करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं चैनल कस्टम्स के बारे में। सिंपल अब मैं सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आप थ्री ऑप्शंस को देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है लेआउट के मीन के आप अपने चैनल का जो लेआउट रखना चाहते हैं, पहले आप अपनी जो आपकी सबसे रैंकिंग में वीडियो है वो रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। फिर आप अपनी उससे लेस वाली वीडियो को रैंकिंग है जो वो रख सकते हैं, इस तरह आप लेआउट में रख सकते हैं। तो लेआउट के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपने अपने चैनल का लोगो किस तरह चेंज करना है, अगर आपने चेंज करना भी है तो कहाँ से करना है। तो ये मैं ब्रांडिंग पर चला जाता हूँ। ब्रांडिंग पर जाने के बाद यहाँ पर देखें आपको पहले नंबर पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा लोगो का, यहाँ पर आप लोगो को चेंज कर सकते हैं, अपने लोगो को रिमूव करके दूसरा लोगो यहाँ पर बना सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपके बैनर आर्ट्स मीन के जो आपके चैनल जब आप अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो आपको बैनर आर्ट नज़र आ रहा होता है वो यहाँ पर आपको लगाना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका साइज़ बताता चलूँ, यहाँ पर इसका साइज़ है 2048x1152 मीन के जो आपके जो चैनल आर्ट का साइज़ है वो ये साइज़ है, ठीक हो गया। यहाँ पर आप अपने बैनर्स को अपलोड कर सकते हैं, हम रैंडमली कुछ बैनर्स को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर मान लें मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद डन पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें जो आपका दरमियान वाला पोर्शन है जो आपके मोबाइल के अंदर जो आपको शो होगा वो आपको मिड वाला पोर्शन शो होगा, और जो आपको ऑल राउंड शो हो रहा है ये आपको टैब्स पर शो होगा या आपको पीसी पर ये जब आप अपने चैनल को ओपन करते हैं तो वो शो होगा। सिंपल हम डन पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो बैनर है वो लग चुका है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा बैनर है वो यहाँ पर लग चुका है। तो तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर बात कर लेते हैं आपका वाटरमार्क। ये वाटरमार्क क्या होता है, बेसिकली वाटरमार्क जो आपकी वीडियो के कॉर्नर पर नीचे आपको छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा होता है वो आपका बेसिकली वाटरमार्क है, ठीक हो गया। आप अपने वाटरमार्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने लाजमी से पब्लिश पर कर देना है क्लिक।
अगर आप पब्लिश पर क्लिक नहीं करते तो आपकी ये जो आपने सेटिंग्स की होंगी ये आपकी सेफ नहीं होगी। ठीक हो गया, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले ऑप्शन की। यहाँ पर बेसिक इन्फो पे मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरे चैनल का नाम है, चैनल के नाम के आगे एक पेंसिल आपको नजर आ रही है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने चैनल का नाम भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक हो गया, नीचे ऑप्शन आ रहा है आपका डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पर आपने वो डिस्क्रिप्शन देनी है जो आपकी अबाउट सेक्शन के ऊपर आपको शो हो। जो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन अपने चैनल्स के रिलेटिव अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को टाइप करें, तो मैं सिंपल अपने चैनल के रिलेटिव यहाँ पर मैंने पहले से लिखी हुई, मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखें, मैंने अपने चैनल के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पर मैं अपने चैनल के ऊपर ऐसी वीडियोस को अपलोड करता हूँ, एडिटिंग वाली वीडियोस को अपलोड करता हूँ, यहाँ पर मैं यूट्यूब टिक्स एंड ट्रिप्स की वीडियोस को अपलोड करता हूँ। तो देने के बाद आप सिंपल नीचे चला जाता हूँ, तो ये नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा चैनल URL, तो ये वो लिंक है जो आपके चैनल का है। इसको आप शेयर करके आप लोगों को बता सकते हैं कि ये मेरे चैनल का लिंक है। जब भी कोई भी लिंक पर इस पर करेगा क्लिक तो वो ऑटोमेटिकली आपके चैनल पर आ जाएगा। पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा लिंक्स का, एड्स लिंक्स। सिंपल मैंने एड्स वाले लिंक पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप वो लिंक दे सकते हैं, मान लें अगर आपका फेसबुक पर पेज बना हुआ है तो यहाँ पर आप फेसबुक पेज का भी लिंक दे सकते हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम का कोई अकाउंट बना हुआ है तो आप उसका भी यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। उस लिंक को देने के बाद अब सिंपल नीचे आ जाता हूँ, तो लास्ट वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर अब ईमेल एड्रेस को देना क्या हमारे लिए अच्छा है या नहीं, क्या ईमेल एड्रेस देने का फ़ायदा है या नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप अपने ओरिजिनल ईमेल एड्रेस को दें। आप अपने चैनल का ईमेल एड्रेस यहाँ पर ना दें, आप जो पर्सनल ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वो पेस्ट करें। इस ईमेल एड्रेस को देने का फ़ायदा ये होगा, जो भी स्पॉन्सरशिप्स आएंगी वो इसी ईमेल एड्रेस से कनेक्ट होकर आपसे रब्ता करेंगी और आपको स्पॉन्सरशिप्स देंगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लाजमी से यहाँ पर टाइप कर लें। इसको करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर कार्नर वाले ऑप्शन पर आपने पब्लिश इसे लाजमी से कर देना है। ठीक हो गया, ये थी आपकी जनरल सेटिंग्स जो आपने अपने चैनल को क्रिएट करने के बाद आपने जो करनी हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लगी होगी आपको इन्फॉर्मेटिव। अगर लगी आपको इन्फॉर्मेटिव तो नीचे दी सब्सक्राइब बटन को कर दो, प्रेस साथ ही बेल आइकन को भी कर दो ताकि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, जो भी न्यू अपडेट आए सबसे पहले पहुंच सके आपको। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें अली यूट्यूबर के साथ। अल्लाह हाफिज़।